अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शब्बीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रणजीत निगारा। अस्सलाम वालेकुम जी, प्यार भरी सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना जूनियर बाबा जी, सन ऑफ बाबा जी। तो अज मैं भी तुहानू इहदा रिव्यू दवांगा ते मैं तुहानू अज दिखावांगा कि मेरा किंज दा एक्सपीरियंस रहा रिहा जी। चलो जी, अज मेरा पुत पहली बारी किसी भी रिकॉर्डिंग दे विच मेरा साथ देवेगा और ये फ्रैशली मैट्रिकुलेशन की है इन्होंने, हूँ एग्जाम खत्म हुए ने ते मैं इन्हों जो ये किताबों पढ़ते रहे ने मॉडर्न हिस्ट्री इन्हों इन्हों किताबा बिल्कुल चेंज ने, वो वाला वर्जन जिहड़ा कि पहले पढ़ाया जा रहा सी कह लो कि पूरे पाकिस्तान दे वो वर्जन थोड़ा जिन्ना इन्हों का पहले तो चेंज है। ये बच्चे की फील करते हैं क्योंकि ही इज़ अ वेरी यंग, मतलब कि टोटल 15 ईयर है, 16वें साल पिया है। ये इस हिस्टरी बारे की दसेगा ये आप करा बाद गल तो असी तुहानू अपडेट दिने हूँ अपनी जिहड़ी गलबात है उहदे मुतलक गल करने कि जिस तरह कि तुसी पिछे देख रहे हो गुरु घर नू, गुरु घर के जिहड़े फाइनल टचिज ने जारी ने। पहले आपां तुहानू दस्सिया सी कि इंटीरियर की हो रहा है, हुण एक्सटीरियर भी काम जिहड़ा शुरू हो गया है गुरु घर दे विच। फिर एक बार तुहानू याद करवाना चाहवां कि ये जिहड़ी सेवा वह निभा रहा है रणजीत निगारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन ऑफ USA मंटिका सिटी कैलीफोर्निया स्टेट तो साढ़े हैडर जिहड़े ने वो कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट नू, सतप्रीत सिंह जी ने, ठीक है जी। और पिछे जिहड़ी साडी टैक्निकल टीम जिहड़े ने वो सपोर्ट कर रहे हैं वो अमरीक पलहा जी कर रहे हैं जिहड़े कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं हैं। और उस तो इलावा कहांगे कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और नाल ही नाल एवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, असी इन्हां सारे डिपार्टमेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने हैं जिन्होंने पल पल और कदम कदम साडा जिहड़ा वो साथ दिता। तो चलने देखने क्योंकि हुण आस्ता आस्ता गुरु घर जिहड़ा अपनी फिनिशिंग दे एंड वाले पासे जा रहा है कि असी की वेख रहे हैं, इट्टां किद्दां दीआं लग रही ने, मटीरियल किद्दां दा लग रहा, वो सारियां चीज़ां नाल असी तुहानू इंट्रोड्यूस करवाते रहे हैं। नाल ही नाल आओ अगे चलते हैं, तुहानू दिखाने साडे जिहड़े इट्टां दे ठीए ने, साडा जिहड़ा मटीरियल है जिहड़ी ब्रिक्स यूज़ हो रही ने वो बल्क विच इत्थे पहुँच चुकियां ने। पहले तुहानू वो दिखाने कि साडा जिहड़ा पहला मटीरियल सी वो किहड़ा सी, वो किहड़ी सुरख इट जिहड़ी लाल इट जिहदी गल कीती जांदी सी वो किहड़ी सी, जिन्हों के एंशंट जो तुसी कह लवो कि लाहौरी चौका, दूसरे नंबर पर मुगलई, तीसरे नंबर पर नानकशाही, चौथे नंबर पर दसेरी और फिर स्टंडर इट आ जाती है। पहले नंबर पर तुहानू नज़र आ रही है इनू लाहौरी चौका कहा जाता है। ये लाहौरी चौका की है, ये कॉम्बीनेशन है मुगलई इट का जरा और पुराना चौका जरा उन्होंने दोबारा कंबाइन करो तो आह वाली टाइल जी है जी पई हुई है ये वाली तो नज़र आती है। दूसरे नंबर के उ ये है जी मॉडर्न शेप जी है, मॉडर्न शेप ऑफ द नानकशाही, मॉडर्न शेप ऑफ नानकशाही जी है वो तुसी देख सकते हो ये 2 इंच मोटी है, ठीक है जी। तो बाकी स्टैंडर्ड साइज उ है लेकिन आ देखो तुसी ये 2 इंचिस इतों तुसी नाप लवो आ 2 पोर जड़ियाँ ने बराबर चल जाए तो सो ये 2 इंच मोटी है, ठीक है जी। और उस तो बाद 4 इंच चौड़ी है और 8 इंच जी है वो लंबी है। तो इनू एज पर रिक्वायरमेंट जिहड़ा कट के आपां अपनियां जिथे जिथे जिस तरह दी गुलाइयां ने, सधाइयां ने, तकोनियां ने उस जगह दे उत्ते आपां इन्हां नू फिक्स करने आ। फिर आ जांदी है एंड दे उत्ते ब्रिटिश दा दित्ता होया तोहफा जिन्हों के इनू ब्रिटिश ब्रिक भी कहा जाता और इनू 2 सेरी भी कहा जाता क्योंकि इहदा स्टैंडर वजन जिहड़ा सी ओह 2 सेर सी पुराना जिहड़ा, हुण तकरीबन मेरा ख्याल है 2.25 सेर तक पहुँच गई है क्योंकि थोड़ी जी मोटी की गई है तो 2.25 सेर और 2 सेर इनू 2 सेरी ब्रिटिश कहा जाता। इस तरह साड़ियाँ कुल मिला के 3 किस्म की ब्रिक्स जड़िया ने यूज़ हो रही ने और इन्हों एक्सटीरियर जिहड़ा साडा एरिया जिथों इट्टां मिसिंग ने, जिथों साड़ियाँ टाइलां मिसिंग ने उस जगह दे उत्ते ये आपां लाणियां शुरू कीतियां होईयां ने रणजीत निगारा की टीम ने। आओ चलते हाँ अगे, किदां चल लग रही ने अज तुहानूं वी दस्सने आ कि होर किन्ना गुनिए का किन्ना ख्याल रख्या जा रहा, नाप तोल देखो उहदे च किन्ना मज़े नाल कीता जा रहा। जी असं इस वेले पहुँच चुके हाँ बिल्कुल नज़दीक जिथे कि तुहानू दस्सिया सी कि जिहड़ियां इट्टां सी तुहानू पिछे दिखा के लिया आए हाँ कि जिहड़ियां इट्टां ने उन्हां दी क्लासीफिकेशन भी तुहानू दस्सी है कि भी किद्दां दीआं इट्टां जिहड़ियां ने इस गुरु घर च लगियां ने, ठीक है जी। और टाइम बाय टाइम इहदी रिपेयर भी हुंदी रही है और ये आपां उस तरीके नाल जिस तरह होई हुई है आपां अगे चल के तुहानू दिखाने कि भी किस तरीके दे नाल लैवल कढ के
ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਚੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰੀ ਚੌਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਕੋਰਨਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਊਸ਼ ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੈਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, 225 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਿੱਖ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 98% ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਚੂ ਨਾ ਗੇਰੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖਦਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀ।